के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिवार्ड नीति को मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। ड्रग तस्करों पर नकेल के लिए रिवार्ड नीति को मंजूरी दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिवार्ड नीति को मंजूरी दी है। ड्रग तस्करों पर नकेल के लिए रिवार्ड नीति को मंजूरी दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। ड्रग तस्करों पर नकेल के लिए लोगों से भी मांगी मदद। रिवार्ड नीति के तहत लोग सूचनाएं इनपुट दें, ये अपील की गई है सीएम कैप्टन की तरफ से। और ड्रग तस्करों पर नकेल में सरकार की मदद करें लोग, और रिवार्ड नीति के तहत लोगों से सीएम कैप्टन ने मदद की अपील की है। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश में ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने में अब प्रदेश के लोगों से भी सरकार की मदद करने का आग्रह किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके लिए एक रिवार्ड नीति को भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत रिवार्ड नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में ड्रग तस्करों से जुड़ी सूचनाओं को इनपुट देने की अपील भी लोगों से की है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, रिवार्ड नीति को मंजूरी दी है सीएम कैप्टन की तरफ से, और साथ ही साथ लोगों से भी मदद की अपील की गई है। बिल्कुल, ये रिवार्ड नीति जो है ये अलग अलग कैटेगरीज इसमें डिवाइड किया गया है कि कौन से नशा कितनी मात्रा में जो पकड़वाएगा उसको किस तरह का अवार्ड दिया जाना है। तो ये नीति जो है ये बेसिकली जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग की सप्लाई चेन है उसको तोड़ने के लिए ये नीति पंजाब सरकार लेकर के आई है। क्योंकि जिस समय 2017 का इलेक्शन हुआ था तो सरकार का सबसे पहला वादा यही था कि जो नशे हैं उनकी कमर को तोड़ा जाएगा, और पिछले 4 साल में बहुत सी ड्रग्स जो हैं वो रिकवर भी की गई हैं। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन इसमें देंगे ड्रग्स को लेकर के, या जो अधिकारी चाहे वो पंजाब पुलिस के हों, सेंटर के हों, कोई और हों, इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से करेंगे और ये जो चेन है इसको तोड़ने में भूमिका निभाएंगे, उनको उनको रिवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। और इस रिवार्ड को जो डिसाइड करने का जो अधिकार है वो एडीजीपी एसटीएफ और डीजीपी के पास होगा। 1 लाख तक का जो अवार्ड है वो एडीजीपी एसटीएफ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, और उसके ऊपर का जो अवार्ड होंगे वो डीजीपी द्वारा जो है वो तय किए जाएंगे। अनिल भारद्वाज, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले सीएम कैप्टन की तरफ से लिए जा रहे हैं नशे के खिलाफ, नशे की इस मुहिम में। और ये रिवार्ड नीति से जो है कितनी कारगर साबित होगी, नशे के खिलाफ जो अभियान है ये लड़ने के लिए कितनी कारगर साबित होगी रिवार्ड नीति? देखिए, कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उन ड्रग्स की जो चेन है, ड्रग्स के जो सप्लायर हैं उन पर मार डाली जा सके, उनको काबू किया जा सके। और निश्चित रूप से ये जो रिवार्ड नीति है, क्योंकि ये बिल्कुल अब जो है एक तरह से बिल्कुल नियम बन जाएंगे, और इसके तहत एक स्पेसिफिक एक वे आउट निकलेगा जो कि रिवार्ड, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वो सामने आएंगे। बेसिकली एक तो इसमें हम ये कह सकते हैं राष्ट्र की ये सेवा है, और दूसरा उसके बदले में जब रिवार्ड मिलेगा तो लोग जो है वो खुल के सामने आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो लगता है कि ये जो एक प्रयास जो सरकार की तरफ से किया गया वो कामयाब रहेगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा फैसला लिया गया कैप्टन सरकार की तरफ से, रिवार्ड नीति को लागू किया गया, और साथ ही साथ लोगों से भी मदद की अपील की है ताकि नशे के खिलाफ जो लड़ाई है इसे सख्ती से लड़ी जाए।